हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आई मेड फाउंडेशन। फिर से हम आ चुके हैं आपको पकाने। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कुछ ऐसा दिखा था आपको। दो तीन चार पांच और CH2OH, ये था डी ग्लूकोज, जिसका की रिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग ने बनाया था जब यहां और इसके बीच का बॉन्ड बना था। तो यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पहला कार्बन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ऐसा स्ट्रक्चर था, सॉरी ऐसा स्ट्रक्चर था जहां पे पांचवा CH2OH था, पहला कार्बन H और OH हो गया था। हाँ, ये पहला कार्बन था, यस। दूसरा कार्बन ये था, तीसरा, चौथा और पांचवा तो गायब हो गया था। तो ये स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पाइरेनोज कहा जाता है, पाइरान रिंग कही जाती है। ये देखिए, ये बेसिक रिंग जो है ये पाइरान की रिंग होती है, इसे पाइरेनोज कहा जाता है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। ये तो ग्लूकोज के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में ग्लूकोज से क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज को कहा जाता है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, हेक्स मतलब छह कार्बन, एल्डो मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज को कहा जाता है कीटोहेक्सोज, और इसीलिए फ्रक्टोज से जो सुक्रोज बनेगा, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कीटोहेक्सोज का मतलब यहां पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार पांच और ये CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा? एल फ्रक्टोज, क्योंकि लीवो है। इसकी अगर हम रिंग की बात करें तो यहां पे तो रिंग बन रही थी फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच, बट यहां पे जो रिंग बनेगी वो सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच बनेगी, और ये वाला ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगा। यूज्ड अप हो जाएगा मतलब बॉन्डिंग में पार्ट ले लेगा। यहां पे एल्डिहाइड का ऑक्सीजन फ्री रहता है, पर यहां पे इसका ऑक्सीजन फ्री नहीं रहेगा, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूरान रिंग कहते हैं, और जो कीटोन स्ट्रक्चर बनाएगा वो फ्यूरानोज कहलाता है। देखिए, यहां से आपको बॉन्डिंग करवा लेनी है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का सॉरी, ये दूसरा कार्बन से स्टार्ट होगा, रियली सॉरी बच्चों, ये दूसरा कार्बन होगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये कार्बन नंबर टू होगा, यहां होगा कार्बन नंबर वन, फिर इसके बाद थ्री, फोर, फाइव और कार्बन नंबर छह यहां पे होगा। तो यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा तरीका, इसको घुमा के हमने रिंग बना दिया। एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा होगा, जिसकी आई थिंक नॉट इज बेटर, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि अप्रैल से जो आपकी वीडियोस आएंगी उनमें लाइटनिंग बेटर होगी, वॉइस क्वालिटी भी बेटर होगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का, फ्यूरान स्ट्रक्चर, जिसको कि फ्यूरानोज कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, पाइरान और फ्यूरान में आपको लास्ट वीडियो में अल्फा एंड बीटा भी बताया गया था, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, एनोमर के बारे में बताया गया था। अब इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में। देखिए,
जैसा कि आपको पता है डाइसैकेराइड्स कैसे बनता है, दो मोनोसैकेराइड्स, दो या दो से ज्यादा मोनो, सॉरी दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। लास्ट वीडियो में आप लोग को हमने क्या बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर माल्टोज बनता है, माल्टोज तो किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो देखिए इसको बनाते हैं, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि एक ग्लूकोज हुआ और ये हुआ हमारा दूसरा ग्लूकोज। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहां पे आपका कार्बन नंबर वन होगा, ये टू थ्री फोर, यहां पे कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर, ये रहा OH ग्रुप और ये रहा OH ग्रुप, ठीक है। ये दोनों OH ग्रुप नीचे होंगे तब और ऊपर होंगे तब की बात करते हैं। अगर दोनों नीचे हैं तो यहां से वाटर का लॉस होगा, क्या होगा, H2O का लॉस होगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाय द लॉस ऑफ वाटर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं बच्चों, बाय द लॉस ऑफ वाटर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बॉन्ड बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर कब बनेगा, देखिए अगर पहला OH ऊपर है, ठीक है, पहला OH राइट साइड है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया बताया गया था बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पे OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH। तो अगर पहला ऊपर है तो दूसरा लास्ट वाला भी ऊपर होगा, लास्ट वाला भी ऊपर होगा, मतलब कौन सा ग्लूकोज हुआ, डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज के बीच जब बॉन्ड बनेगा, कैसे बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 क्यों बोला गया, क्योंकि एक ग्लूकोज का पहला कार्बन है, इसके पहले कार्बन से और इसके चौथे कार्बन से बॉन्ड बना है, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर दूसरा ग्लूकोज एल ग्लूकोज हुआ तो क्या होगा, अब आइए इसकी भी बात करते हैं। ये हमारे पास डी ग्लूकोज था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, पर दूसरा वाला हमारा एल ग्लूकोज हो गया, मतलब एक OH ऊपर हो गया, एक OH नीचे हो गया। तो यहां पे जो वाटर का लॉस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, एक डी ग्लूकोज होगा और एक एल ग्लूकोज होगा, और यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों सेम चीज है, बस बात यह है कि हम कौन सा एलोमर यूज कर रहे हैं। यहां पे भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, बट यहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है, यहां पे एक का अल्फा यूज हो रहा है और दूसरे का बीटा यूज हो रहा है, तो अलग अलग एलोमर है, ठीक है, और बॉन्ड यहां पे भी सेम बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पे भी बन रहा है, पर एक डी ग्लूकोज यूज हो रहा है और एक एल ग्लूकोज यूज हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि डी ग्लूकोज मिलने के बाद क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ये होगा, या एल ग्लूकोज बोलेगा तो दोनों बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे, बट अगर एक डी और एक एल हुआ तो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगली अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की बात करते हैं, और क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो मेरा एक भी अगर हम मिटा देते हैं स्ट्रक्चर तो मेरा तो काम चल जाना चाहिए। आइए अगली हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज किससे मिलकर बना बच्चों, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक पाइराइन की रिंग होगी, जैसा कि आपको दिख रहा है एक पाइराइन की रिंग होगी, मतलब ग्लूकोज की रिंग होगी,
और दूसरी रिंग किसकी होगी बच्चों, फ्यूरैन की होगी। दूसरी रिंग किसकी होगी, फ्यूरैन की होगी। यहां पे भी बॉन्डिंग सेम कंडीशन से होती है, ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। अगर दोनों डी स्ट्रक्चर होंगे तो यहां पे भी वाटर लॉस आपको सेम तरीके से दिखेगा ये, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पे भी बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब किसके किसके बीच हो रहा है ये पता करते हैं। अभी आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। तो ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये 1 है। तो यहां पे भी अल्फा 1,4 लिंकेज हो रहा है। आपसे ये क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आता है और ये बायो में भी आता है। अगर ऑन दी अदर हैंड हम ए को अल्फा बीटा कर देंगे, ए को अल्फा बीटा कर देंगे, तो देखिए बच्चों स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस बॉन्ड चेंज हो जाएगा। जब अल्फा बीटा एनोमर रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ ऐसा दिखेगा, जब अल्फा अल्फा रिएक्ट करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा दिखेगा, बीटा बीटा में ऊपर हो जाएगा बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, सुक्रोज का। पहला स्ट्रक्चर हम किसका बनाए थे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे थे। गैलेक्टोज में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसा माल्टोज का था, बस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपके थे डाइसैकेराइड्स, जिसको हमने आज के वीडियो में देखा। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड को भी पढ़ लेते हैं ताकि ग्लूकोज का पार्ट आज खत्म हो जाए। तो ये देखते हैं उसे भी। देखिए पॉलीसैकेराइड में आपको दो लोग के बारे में पढ़ना है और बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, जिसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, जो आपके एग्जाम्स में भी आता है, और ग्लाइकोजन। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च दो चीजों से मिलकर बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं अधिकतर। एमाइलोज एक स्ट्रेट चेन होता है, उसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल होता है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ विदाउट ब्रांचिंग कार्बन के चेन्स होते हैं। विदाउट ब्रांचिंग मतलब सिंपल ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2,000 to 4,000 ग्लूकोज ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनके बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। मतलब आई होप आपको यहां दिख रहा होगा, नहीं तो हम यहां बना देते हैं, यहां आपको शायद ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहां बना देते हैं। सॉरी सॉरी, ये ग्लूकोज, इसके बाद ऐसे कई सारे ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे बिना किसी ब्रांचिंग के, इसी को कहेंगे एमाइलोज। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन तो इसमें यह भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन स्ट्रेट चेन तो शो करेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। बट इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग भी होगी एट 1,6 अल्फा 1,6, मतलब यहां पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन का जो दूसरे ग्लूकोज का जो छठा कार्बन होगा, देखिए हम बहुत छोटा सा बना रहे हैं, ये छठा कार्बन होगा, इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो छठा कार्बन आपको बताया गया था, ब्रांचिंग एट अल्फा 1,6 ड्यू टू विच इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, इनसॉल्युबल इन वॉटर।
ठीक है। स्टार्च इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। स्टार्च होता क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट। ग्लाइकोजन का भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है, बट इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स है, मतलब हम लोग में, हम लोग खाना खा लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। बाय बाय।